नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा एवं जीवन ज्योति संस्था के संरक्षक सुभाष गोयल के नेतृत्व में नगर पालिका पावटा प्रागपुरा में फायर फाइटर का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राजेश शर्मा ने कहा कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी सदैव अपनी जान जोखिम में डालकर समाज सेवा को तैयार रहते हैं और हमें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। फायर फाइटर खतरे में डालने वाली आग को नियंत्रित करके और बुझाने के साथ लोगों को खतरनाक स्थितियों से बचाने का भी काम करते हैं। सुभाष गोयल ने बताया कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर साहस, शक्ति और सेवा का प्रदर्शन करते हैं। फायर फाइटर दिन हो या रात में वे हमेशा समाज सेवा के जज्बे के साथ खतरनाक परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह दिन अग्निशामकों के बहादुरी और बलिदान को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष दिन है। विराट नगर से न्यूज 69 के लिए मामराज मीणा की रिपोर्ट। माला को साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। फाइटर हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं और हमें सुरक्षित रहने में मदद करते हैं और जान माल की हानि से बचाने में इनका बहुत भरपूर सहयोग रहता है। मैं आशा करता हूँ कि इनको जो ये राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस है इनके ऊपर मैं इनको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।